कैसे लेते रहे वो लोग आपको हिंदुस्तान में एज पाकिस्तानी एक्ट्रेस? अच्छा, क्योंकि मैं दुबई और इंडिया का मेरा थोड़ा चक्कर चल रहा था, लेकिन जब तक वो हेटरेट नहीं था तो यू वर ओके। जब आप हेटरेट है तो फिर है, आपको लगता है महसूस होता है? यार वो जाहिर नहीं होने देते, मुझे ऐसा लगता है। उधर आए बात वो पता नहीं चलने देंगे, वो बहुत बड़े कलाकार हैं, वो लगेगा आपको अरे उनको सिर्फ काम निकलवाना है, दैट इज ट्रू। और जब अच्छा काम हो जाएगा उसके बाद कहेंगे यार ये तो दिमाग का ये कर क्या दिया। कहती हैं उसमें भैया जो कह मैंने रहे तो सुना सर कि जो फिल्म बनने के बाद पता चलता है कि आपके साथ ज्यादती कहाँ हुई है। मैं इसलिए नहीं कह सकती बिकॉज मुझे जब कजरारे मिली तो आई थिंक सोलो लड़की और कोई इतनी बड़ी फिल्म, और मैंने थ्रू आउट थी आप उसमें जॉर्डन और यू नो सेवंथ वंडर में आप खड़े हैं, तो मैं तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए शायद टेलीविजन में कभी नहीं हो पाता। तो वो फिल्म की वजह से और बॉलीवुड की वजह से ही मैं वो एक एक्सपीरियंस किया। इवन इवन मर्डर उनके अपने भी इंडियन एक्टर थे, बट द वे आई एम प्रोमिनेंट इन मर्डर थ्री, आई थिंक वो कहीं पे मुझे नहीं फील हुआ कि उन्होंने कहीं कमी रखी हो या ज्यादती। हाँ ये जरूर होता है एक तो मैं कम बोला करूँ नहीं नहीं आप बोले बोलने सब कट जाएगा, टेंशन नहीं ले आप। अच्छा नहीं ले नहीं, ये जरूर हो जाता है जब ऐसी बॉर्डर लाइन आती तो सब आपका पाकिस्तानी आर्टिस्ट है तो आप उसको पुश करना शुरू हो जाते हैं, और अगर आपका इंडियन आर्टिस्ट है तो आप उसको पुश करना शुरू हो जाते हैं, और मीडिया आपके बारे में लिखना कम कर देगा। ये तो मैंने बकायदा फील किया ना। ये हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा है, जो वहाँ की प्रेस और मीडिया है वो तो बिल्कुल ही वाइल्ड है, बहुत ज्यादा वाइल्ड है। हमारा बड़ा सोफिस्टिकेटेड है कंपैरेटिवली, हम थोड़ा वो हाँ हम जरा लिहाज रख जाते हैं, जान दे हाँ जान जो बात हम आराम से धीमे लहजे में करते हैं वो चिल्ला के करते। तो ये चिल्लाहट इसे तंग किया कि बीबी बस ठीक है, एक प्रोजेक्ट कर लिया, दो कर लिए, बस जाइए। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, मुझ में कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी। अगर आप देखेंगे ना टेक्निकली मैं फंस सकती थी, आज फंस जाऊंगी बोलन तो बात। मतलब आप नहीं फंसी, मतलब आप फंसी नहीं? नहीं कभी नहीं। बहुत से लोगों को इतराज है आपके हवाले से। हाँ बिल्कुल, कि बोल्डनेस की जरूरत नहीं है मुझे, इतनी क्यों बोल्डनेस दिखा दी इसने? मुझे भी समझ नहीं आई। मैं सच बताऊं कभी कभी माहौल का असर हो जाता हल्का सा। हाँ वो मैंने ब्रेक लिया, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही। हाँ पाकिस्तानी कौम जो हम चाहे जो मर्जी कहते रहे, लेकिन हम अपनी खवातीन को लेकर बड़े बागैरत हैं। बिल्कुल, वी कांट सी आर हमारी हीरोइंस को के कमेंट्स दे दे। आप देख लेंगे आपकी किसी भी मॉडल की या किसी की भी तस्वीर लगी होती है बगैर, स्पेशली आफ्टर सोशल मीडिया की इन्वेजन, विदाउट स्लीव आप खड़े हों कोई ऐसा ड्रेस पहन के, तो नीचे जो तनकीद लिखी। अरे सर स्लीवलेस के चक्कर में बहुत से लोग जॉबलेस हो गए। या अगर कोई वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है किसी ने, तो वो एक इतराज हो जाता है कि नहीं दुपट्टा होना चाहिए, फलां होना चाहिए। आपने तो सारा कुछ मारा कंधे कपड़े मुंह पे मार दिए। ये जो आने का किसी एक चीज पे बोलेंगे मैं मौका ही नहीं दूंगी। तो ये जो आपने किया, आपने ये रियलाइज किया था कि आपने वापस, मैं आपको मजे की बात बताऊं? हाँ ऐसे रियलाइज वाली, वैसे यही मजे की बात है, आप आगे ना बताएं। मैंने शायद अपनी जिंदगी में सबसे बोल्ड स्टेप और द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी वाज डू अ बिकनी शूट, नोबडी नोज दैट, एंड मे बी द स्टेट ऑफ माइंड वाज डिफरेंट, कुछ था, कुछ रीजन थे, मैं किसी गुस्से में भी थी, एंड मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के लिए नहीं आऊंगी। आप सही कह रहे हैं, वो एक थॉट था ना। अच्छा मैं एक्ट नहीं कर सकती हूँ, मैंने नोट किया, बिकॉज हमें आदत है डायलॉग्स बोलने की, हमें बॉडी लैंग्वेज की आदत ही कम है। वहाँ पे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज चलता है ना, डायलॉग्स कम चलते हैं। तो जब फिल्म में आपको सिर्फ दो लाइंस बोलनी और बाकी, तो कई दफा तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना। बिल्कुल ठीक। तो मैंने उस वक्त थोड़ी बोली नहीं, मैंने कहा थोड़ी लाइट फिल्म कर लेती हूँ। ये नहीं पता था वो लाइट थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बन गई, बट दिमाग में सिर्फ ये था कि अच्छा एक लाइट सी फिल्म है। हाँ। और एक कोई शॉर्ट सीन है, तो उसका कोई रद्दे अमल यहाँ से पहुंचा आप तक? पहुंचा थोड़ा सा। हाँ। अब जब आप मिलती हैं लोगों को। अच्छा अब मैंने देखा है जब मैं वापस आई हूँ तो यहाँ तो माहौल थोड़ा बदल चुका है। You know, the people are quite comfortable to be bold. हाँ। वो अलग बात है सोशल मीडिया उनकी ट्रोलिंग कितना करता है, that's a different story. बट मैंने देखा people are very comfortable whatever they doing. अब दुपट्टा कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा? मैं अच्छी दुपट्टों में लगती हूँ, नुमान सर चुप कर जाए। शायद वो ये था कि कभी आप हॉलीवुड में फिल्म कर रहे हैं और शायद कभी आपको कोई एक शॉट करने को मिल जाए या कोई ऐसी चीज, तो आर यू गुड एनफ, आर यू दैट मच कॉन्फिडेंट गर्ल दैट यू कैन अटेम्प्ट इंटरनेशनल मार्केट? तो मे बी दैट वाज द थॉट। तो इसका मतलब है कि बॉम्बे से होके आने के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है, फिल्म बना दिया मैं, मैं हॉलीवुड भी काम कर सकनी है। ऑफ कोर्स अपने लिए यहाँ कुछ बनाएंगे, आई थिंक हमें, मतलब मेरा जो दिल है। सो आर यू प्लानिंग टू डू एनी प्रोडक्शन जी? लेट्स सी।
But there are few things in your mind. There are few things, yes. And you are working on that. Biopics पे दिल चाह रहा है कुछ काम करूँ या कुछ ऐसा अब आगे के जो मेरे स्क्रिप्ट हों कुछ अलग हों. हमारे एक डाकिया भाई हैं वो किसी का पैगाम लाके अच्छा. सुनाते हैं. अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी. आइए सर. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. सारा लोरेन साहिबा आई हुई है. नाम लेके दस नाम बता. सारा लोरेन. सर इजी है नाम. इजी नहीं नहीं सारा भी कह सकते हैं आप. किसका पैगाम लाए हैं सरकार? सरकार आज पैगाम है चांद का. चांद का. चांद के सामने चांद का पैगाम. वाह 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 वाह. बहुत थकी हुई जी जी. चांद कहता है कि मुझसे कौन है प्यारा बोलो, मुझसे किसे किनारा बोलो, पर मेरा चेहरा जो है तकते, मेरा चेहरा देख देख कर नहीं है तकते. आहा. और मुझसे रात सुहानी सजती, परियों की कहानी लगती. आहा. और महबूब को मुझसे क्यों है मिलाते, महबूब को मुझसे क्यों है मिलाते, अपनी तरफ से मुझे जलाते. आहा. और तारों की आंख का तारा हूँ, उनके जगने का सहारा हूँ. वाह वाह. और जब दुनिया थक कर सोती है वाह, तब मेरी हुकूमत होती, होती है. वाह. जब तक मेरी दीद नहीं होती तब तक जमी पर ईद नहीं होती. वाह वाह वाह. और मेरी ठंडक आंख को भाए, हर दिल मुझको हाल सुनाए. और मेरा दाग बताते हैं सब, अपने दाग छिपाते हैं. वाह 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 वाह. और नक्श नजर जो आए थे, फिर क्यों तुम मिलने आए थे. आहा. और दिल का हाल सुनाऊं तुमको. हाँ. आओ अपना दुख बताऊं बताऊं तुमको. आलूदा यूं फजा हो गई है, नजर भी बेवफा हो गई. वाह. गर्द भरी सी रात है अब, कम से कम मुलाकात है अब. ये ना हो के गुम हो जाऊं, निकलूं भी तो नजर ना आऊं. वाजिबा. अरे वाह. आखिर में चांद ने तड़ी भी लगाई. हाँ, ये ना हो कि गुम हो जाऊं, निकलूं फिर नजर ना आऊं. निकलूं फिर नजर ना आऊं. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे. वेलकम बैक टू जी सरकार जी. डू यू एग्री कि बोल्ड टॉपिक्स पे काम होना चाहिए या बोल्ड कैरेक्टर्स पे काम होना चाहिए? मुझे तो लगता है रियलिटी पे काम होना चाहिए. और हाँ, बोल्डनेस कपड़े उतारने से नहीं होती. ये मैं आपको बता दूं, अगर मैंने कोई एक एक्ट किया भी है तो आई वाज नेवर बीन अ बोल्ड टू बीइंग डन बाय अ वन बिकनी शूट, लाइक प्लीज गिव मी अ ब्रेक. मैं बोल्ड थी क्योंकि मैंने रोल्स ऐसे उठाए. मैंने संदल उठाया जो एक लड़की लंगड़ी है, बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया था जी, पोलियो से इफेक्टेड है. लेकिन बोल्ड है मतलब उसे सोसाइटी की कोई परवाह नहीं है, अपने लिए लड़ती है और दूसरों को भी साथ उनके लिए भी लड़ती है. तो उसने कहा ये मेरी कमी मुझे कम नहीं कर देती, ये है बोल्डनेस. बहुत अच्छी बात. तो बोल्डनेस में अच्छा, मेरे तो ये रोल्स मेरे अंदर बसे हुए ना. तो मैं तो मर्डर भी जब कर रही थी मैडी, मैं क्या मैं तेरी को देख सकता क्या, मैं दिख नहीं पा ले. यू नो कॉन्सेप्ट डिफरेंट था. बाद में मैंने कहा नहीं, लोग देखते हैं दोबारा नहीं पाने. मैं कहा नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं. आपने रियलाइज किया? नहीं मैंने नहीं किया उसके बाद. अगर आप देखें हाँ, उसके बाद आपने कोई कोई भी नहीं, वो एक ही था ऐसे ना जिंदगी में एक. ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात या हालात खराब अब तो ज्यादा हो गए हैं और उन्होंने तो बाकायदा डिक्लेयर भी कर दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू कास्ट एनी पाकिस्तानी एक्टर.